If a, b, c are consecutive integers, then the value of log of 1 plus ac is. अब a, b और c consecutive integers दिए हुए हैं, यानी उनका जो difference होगा वो होगा 1. तो suppose b की value हम ले लेते हैं x, तो a की value इससे 1 less होगी, यानी it will be x minus 1. And c will be 1 more than x, यानी c की वैल्यू होगी x plus 1. राइट, देखिए इनमें डिफरेंस जो है वो 1 का है, सो दे आर कंसेक्यूटिव. तो b को हम x लेते हैं, a हो जाएगा x minus 1 और c हो जाएगा x plus 1. अब हमें पूछी गई है वैल्यू log of 1 plus a c की. अब इसमें a और c की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस a है x माइनस 1, c की वैल्यू है x प्लस 1. नाउ वी प्रोसीड फर्दर, ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस, दिस इज ऑफ द फॉर्म a माइनस b इंटू a प्लस b, विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये रहेगा x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर होता है 1. अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो 1 कैंसल्स विथ माइनस 1, सो हमारे पास है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर. ये 2 को आगे ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग एक्स, बट एक्स इज नथिंग बट इक्वल टू बी, तो यहाँ पे एक्स को बी से रिप्लेस कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ बी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D.